और मेरे चाचा टोरो, कैसे हो आप? आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी चने दाल की रेसिपी लेके आई हूँ। एकदम सीक्रेट तरीके से बनाऊंगी, रेस्टोरेंट स्टाइल की। आप सच में यकीन मानो चाट चाट के खाने वाले हो। जिसके लिए मैंने एक कटोरी चना दाल को फुला लिया था और 4-5 कलियाँ लहसुन ले लिया है, 1 टमाटर लिया है, 2 प्याज और 2 हरी मिर्च। मैंने अपने कुकर में दाल को ट्रांसफ़र कर लिया है। यहीं पर मैंने 2 मिर्ची डाल दी है। प्याज मैंने बड़े बड़े पीसेस में काट के डाल दिया है और साथ ही लहसुन भी डाल दिया है। अब मैं इसमें बड़े बड़े टमाटर काट के डाल दे रही हूँ। इसके बाद हमें इसमें डालना है जितना हमने चना दाल लिया था। फूलने के बाद ये पौन टिफिन हो गया था, उसी टिफिन से हमने 1 टिफिन भर के पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद हमें इसमें लाल मिर्चा पाउडर डाला है, थोड़ा चटपटा सा स्वाद देने के लिए। हल्दी है रंग के लिए, हमारे येलो येलो सा रंग आएगा, बहुत ही अच्छा सा। स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं अब हम इसमें। नमक डालने के बाद हम इसे स्पून से अच्छे से मिक्स कर देंगे और बस अब ढक्कन बंद करके हमें इसे अपने गैस में चढ़ा लेना है। तो ये हमने अपने कुकर को गैस पे चढ़ा दिया है और 2 से 3 सीटी हम इसमें लाएंगे। हमें ज़्यादा देर तक इसे नहीं पकाने की ज़रूरत, क्योंकि ये दाल फूली हुई थी इसलिए ये जल्दी ही पक जाएगी। ये देखिए 3 सीटी में ये हमारी पक गई है। हम थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से इस तरह से। आपके पास अगर कलछुल हो तो आप कलछुल से भी इसको अच्छे से फेंट सकते हैं। और ये देखिए कितना ही अच्छा सा फेंट गया है, बहुत ही बढ़िया सा है, ना गाढ़ा है ना पतला है और बिल्कुल परफेक्ट है ये दाल हमारा। तो चलिए अब इसे तड़का मार लेते हैं। तड़का मारने के लिए हमने 1 से 1.5 कलछुल तक तेल लिया है, ये सरसों का तेल लिया है। आप कोई सा भी तेल ले लीजिएगा जो आपको पसंद हो। इसके बाद इसमें आप डालिएगा सरसों के दाने, ये 1 चम्मच के हिसाब से सरसों के दाने हैं। जब ये थोड़ा तड़कने लगे तो आपको डालना है 1 चम्मच जीरा इसमें। और अब बस इसमें प्याज डाल देना है, देरी मत कर दीजिएगा वरना आपका सरसों तो जल के राख हो जाएगा। तो फटाफट से इसमें आप प्याज डाल लीजिए और थोड़ा सा मिक्स करिए और ट्रांसपेरेंट होने का इंतज़ार करना है हमें अभी इसका। इसका थोड़ा कड़वापन निकल जाए और थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाए, इतना इंतज़ार करने के बाद हमने यहाँ पे 3 से 4 लहसुन की कलियाँ काट लिया था, इसे भी डाल दिया है। अदरक का पेस्ट हमने लिया है, उसे भी ऐड कर दिया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं करी पत्ता, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है करी पत्ता का। दाल में 2 से 3 मिर्ची लिए हैं, हींग लिए हैं 2 चुटकी के हिसाब से। गैस नहीं बनता अगर आप हींग दाल में डालते हैं और अदरक डालते हैं, लहसुन डालते हैं, तो कभी भी आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये बहुत ही टेस्टी, खाने में तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो हमारा प्याज ट्रांसपेरेंट हो गया है। इस स्टेज में हम यहाँ पे कश्मीरी मिर्च डालेंगे 1 से 1.25 चम्मच तक। और इसके बाद हम इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे, जिसे हमने बहुत ही महीन महीन कद्दूकस कर लिया है। आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन ये कद्दूकस वाला बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा नमक डालना है हमें कि हमारा टमाटर अच्छे से गल जाए। थोड़ा गरम मसाला इसमें डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच के हिसाब से। अब इसमें डालना है स्पेशल चीज़, ये है हमारा कसूरी मेथी, जो बहुत ही अच्छा स्वाद लाता है हमारे तड़के वाली दाल में। इसे डालना बिल्कुल भी ना भूलें, अगर आप इसे डालना भूल गए तो आपकी दाल रेस्टोरेंट स्टाइल नहीं बनने वाली। तो इसे ज़रूर डालें। ढक के 2 से 3 मिनट तक आपको पका लेना है कि टमाटर अच्छे से पक जाए, आपका कच्चापन निकल जाए। और ये देखिए मसाले से तेल भी छूटने लगा है, तो मतलब हमारा मसाला बहुत ही बढ़िया परफेक्ट बन के तैयार हो गया है। अब हम इसमें ले ही आते हैं अपना दाल डाल लेते हैं अब हम इसमें। ये देख सकते हैं आप कितना ही अच्छा अभी से ही लग रहा है। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे
मिक्स करने के बाद आपको इसको 5 से 6 मिनट तक अच्छे से खौला लेना है। तड़के के बाद जब दाल उसमें तड़के के साथ खौलती है ना, तो इसका स्वाद 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये देखिए, ये हमारी दाल खौलने लगी है और कितना ही अच्छा इसमें स्वाद है, कितना ही चटपटा सा, तीखा सा, सब कुछ, मतलब मसाले, खुशबू बहुत ही अच्छी है। तो ये दाल आप बनाइएगा ज़रूर। इसे हम अपने बर्तन में चलिए निकाल लेते हैं। अच्छा, ये रेस्टोरेंट स्टाइल दाल का तड़का और दाल की रेसिपी अगर आपको मेरी पसंद आई हो ना, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय गुरुदेव।